तो आखिरकार चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी सभी पार्टी के कार्यालयों में अजीब सी खुशी का माहौल है, कहीं भी गमगीन माहौल है ही नहीं। बिल्कुल राम राज्य जैसा, सब सुखी हैं। इसका श्रेय भगवान मोदी जी को जाता है। सभी पार्टी के चिलगोजे खुश हैं। इंडिया गठबंधन के समर्थक तो इस बात के लिए खुश हैं कि कम से कम श्रेणी सुधार तो किया। ये तो वही बात हुई कि पड़ोसी फर्स्ट आ गया, उसकी टेंशन नहीं है, हमारी सेकंड बन गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे पहले तो हम फड्डी थे। और एनडीए गठबंधन के समर्थक, इनकी खुशी मोनाई के बिस्कुट जैसी है, कभी नमकीन तो कभी मीठा फील कर रहे हैं ये लोग। खैर, अंत में ये कह सकता हूं, सरकार किसी की भी बने, विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र को एक तगड़ी वैक्सीन लगेगी, जिससे कि लोकतंत्र बहकेगा नहीं, लोकतंत्र पर विश्वास खत्म नहीं होगा, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास बना रहेगा, जो सभी भारतवासियों के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छा भी है। अब आते हैं भगवान मोदी की तरफ। ये वो भगवान है जिन्होंने बीजेपी की कब्र खोदना शुरू कर दी है। बीजेपी पार्टी जो सभी बड़े नेताओं के द्वारा इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि यदि भविष्य में कोई सरकार जो सत्ता में है अगर वो तानाशाह होती है तो विकल्प बीजेपी हो, अगर कोई सरकार समाजवाद पर विश्वास नहीं करती है तो विकल्प बीजेपी हो, यदि कोई सरकार बेरोजगारी खत्म करने, गरीबी खत्म करने में असमर्थ हो तो बीजेपी विकल्प के रूप में उभर कर आए। और जब बीजेपी को ऐसा मौका मिला, बीजेपी विकल्प के रूप में उभर कर आई, तो बीजेपी के उन नेताओं को दरकिनार कर दिया गया जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था। लाल कृष्ण आडवाणी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, एक लंबी लिस्ट है। और इस पूरे बीजेपी की कमान किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी गई और उसको ब्रांड बना दिया गया। जब तक ब्रांड में दम रहा, दम से चुनाव जीती है बीजेपी पार्टी, और जीत का सेहरा भगवान मोदी के सर पर रख दिया गया। जब भी हार हुई है तो सेहरा बीजेपी पार्टी के ऊपर रख दिया गया, जो उसका अध्यक्ष था, जिससे कि ब्रांड की इमेज में कोई डैमेज ना हो। पर जो इमेज आर्टिफिशियल बनाई जाती है, झूठ के दम पे बनाई जाती है, वास्तविकता से दूर बनाई जाती है, एक समय के बाद उसकी कलई खुलनी थी, और वो समय 2024 है। स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी ब्रांड जो संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आप अकेले नहीं थे, आप एनडीए गठबंधन के साथ हो। रही बात अकेले की, तो आपको 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से बहुत दूर है। लेकिन आपका यही घमंड, जनता को मूर्ख समझने की गलती, आपको इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये मानता हूँ, मोदी जी बोलते हैं कि उन्हें भगवान ने भेजा है, मोदी जी बोलते हैं गंगा मैया ने उन्हें गोद लिया है, ये सब मिथ्या बातें हैं। मोदी जी से बड़े नेता तो मुझे शिवराज सिंह चौहान लगते हैं, जो 8 लाख वोटों के अंतर से जीते हुए हैं। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो सभी जगह रैलियां करते घूम रहे हैं, वो 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए हैं, और वो भी पहले फेज में, तो पीछे हो गए थे, हारने का डर भी था, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि जिस प्रकार के नफरती भाषण दिए जा रहे हैं मंचों से, यह केवल राजनीति के भले के लिए है, स्वयं के भले के लिए है, जनता का इसमें कोई हित नहीं है। और जनता ने सभी राजनेता को यह आईना दिखाया है कि जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति से हमें परे होकर देखना है। हम हिंदू हैं, मूर्ख नहीं है कि हिंदू के नाम पर कुछ भी कराया जा सकता है। हम मुस्लिम हैं, मूर्ख नहीं है कि मुस्लिम के नाम से कुछ भी कराया जा सकता है। हम दलित हैं, हम कुछ हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है कि तुम हमारी जाति, धर्म इत्यादि का नाम लेकर हमको मूर्ख बना दो और गलत रास्ते पर ले जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो इस चुनाव परिणाम ने पूरी तरह से सिद्ध करके दिखा दिया है कि जनता सर्वोपरि है, वो कुछ भी परिणाम ला सकती है। अब मोदी ब्रांड की इमेज को डैमेज हुआ है इस चुनाव में। मोदी ब्रांड में पहली बोल चुका हूं कि यह एक गुब्बारा था, एक आर्टिफिशियल ब्रांड था, इसको बनाने में मीडिया की भूमिका बहुत है। वो मीडिया जो 160वें पायदान पर बैठी हुई है, वो मीडिया जो हर पल झूठ बोलती है। आप ये समझिए कि हम उस मीडिया का यकीन कर रहे हैं जिसकी हर बात में झूठ है। मुद्दा यह नहीं है कि मीडिया झूठ बोल रही है, मुद्दा यह है कि जब वो झूठ पकड़ जाता है तो उसके लिए उत्तरदायी कौन। जैसे आप ये न्यूज सुनिए, तीन बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल, अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो 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 कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहां पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसमें मोहतरमा कह रही हैं कि 2000 के नोट में चिप होगी, तो अब वो चिप नहीं निकली, तो इस झूठ के लिए कौन जिम्मेदार? जिसने भी सुना होगा उसने तो इसकी बात का यकीन किया होगा ना। अब इन एग्जिट पोल को देखिए,
411 पर पहुंचता है एनडीए का आंकड़ा। 411 पार की बात वो कर रहे थे, 411 और इनका विपक्षी गठबंधन का भी 100 पार हो रहा है, वो 105 पहुंचता है। अब इस एग्जिट पोल में जो ये संख्या बताई गई है एसी रूम में बैठकर मेकअप लगाकर, जमीन पर तो जाती नहीं है, पूरी न्यूज चैनल जो है वो एसी रूम में ही आकर सिमट गया है, तो जनता ने इस पर यकीन कर लिया। वो जनता जब यकीन करती है तो जनता अपने आगे के निर्णय इसी आधार पर लेती है कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। 10-5 सीट का अंतर हो समझ में आए, 411 सीटें आप दे रहे हो और बाद में मालूम चल रहा है कि सीटें तो 300 भी नहीं हो रही हैं, तो इस झूठ के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या इस देश में एग्जिट पोल जैसा जो नाटकीय खेल चल रहा है ये बंद नहीं होना चाहिए? और एग्जिट पोल चलाने का उद्देश्य क्या होता है? ना तो ये सही होते हैं, ना जनता को इसका कोई फायदा होता है, केवल पूरे दिन स्टाफ बैठा के स्टूडियो घेर के एक बकैती करने का माहौल बना दिया जाता है, उस माहौल में हम सब लोग फंसे हुए होते हैं। तो ये जो मोदी ब्रांड है, ये मोदी ब्रांड इस मीडिया के द्वारा गढ़ा गया है। एक कागजी फूल था जिसमें खुशबू आर्टिफिशियल थी, पर ये खुशबू कभी ना कभी तो गायब होनी थी, वो खुशबू अब गायब हो रही है। और उस खुशबू का जवाब अयोध्या ने दिया भी है, राम मंदिर बनाया था भगवान राम का, आप अगर पूरा मंदिर बनाते तो बहुमत पूर्ण मिलता, मंदिर अधूरा बनाया था तो बहुमत अधूरा मिला है। जल्दबाजी किस चीज के लिए थी भाई? मंदिर में दो कलश होते हैं, एक नवग्रह कलश, एक शिखर कलश, दोनों कलश अगर होंगे तो ही भगवान अवतरित होंगे। शिखर कलश है ही नहीं तो भगवान वहां है कहां? मूर्ति है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर भगवान मंदिर में होते तुम अयोध्या में जीत गए होते, तो भगवान तो आए ही नहीं मंदिर में, उसमें केवल मूर्ति है, ये सिद्ध करता है तुम्हारा अयोध्या हारना। अगर भगवान होते भाई तुम राम को लाए हो तो राम तो मैं भी लाते, पर राम आए ही नहीं, केवल मूर्ति आई है जल्दबाजी, मंदिर बन ही नहीं पाया, तो उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा है तुम ये परिणाम भुगतोगे, इससे पूरे देश को फायदा होगा, इससे सभी राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा होगा, क्योंकि अब संतुलन बना रहेगा। विपक्ष का मजबूत होना बहुत अच्छी बात है, सरकार कोई भी चलाए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सभी के फायदे के लिए है। और मीडिया जो लगातार झूठ दिखा रहा है, हम उस पर बार बार भरोसा करते जा रहे हैं, और कमाल की बात है कि हमारे भरोसे हर बार टूटे हैं और फिर भी हमने दोबारा से भरोसा किया है। आप याद करो, अमृत काल नहीं है, भरोसे का काल चल रहा था, कोरोना आया, हमसे कहा गया कि रोड पर आकर थाली पीटिए, हमने रोड पर आकर थालियां पीटी, हमसे कहा गया नोटबंदी है, लाइन में लग जाइए, हमें 50 दिन का समय दीजिए, जहां बोलोगे वहां खड़ा हो जाऊंगा। सुनिए आप, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन, 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों में, अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हमने भरोसा किया, बाद में हुआ क्या, इन्हीं का मंत्री एक गॉसिप करते हुए बोल रहा है कि हमने देशभक्ति का बात बोला और लोग लाइन में लग गए, मजाक उड़ाया गया हमारा लाइन में लगना, हमारा मरना व्यर्थ है इन लोगों की नजरों में। सुनिए आप, अभी वो एक दिन एबीपी खुद चलाया, मैं गया था अपने लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचू क्या कहूँ, तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, देश भक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की, बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। हमने भरोसे के सहारे पीएम केयर में फंड दिया, पैसा दिया, मैंने भी दिया था, क्या हुआ उस पैसे का, सार्वजनिक कीजिए, अब आप पर भरोसा नहीं है, हमें पता नहीं वो पैसा कहां खर्च किया जा रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरह इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए बोलते हो कि हमने पारदर्शी प्रक्रिया बनाई है, अरे ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तुम तो जीवन में कभी नहीं बताते कि किसको पैसा कहां गया है, तो अब तो भरोसा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है सरकार पर। अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार भी दबाव में आएगी, केवल बोलने से काम नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। किसान बिल लाए, बॉर्डर फिल्म बना के रख दी तुमने, किसानों को ऐसे रोका, फिर तुमने उसको ले लिया जब हताश हो गए, जब लगा कि चुनाव आ गए हार जाएंगे, चलो ले लें, सब कुछ जितने भी निर्णय लिए गए चुनाव के लिए लिए गए। गरीबी हटी नहीं, कुपोषण वहीं पे बना हुआ है, बेरोजगारी अभी बनी हुई है, इसके बावजूद भी मोदी अगर ब्रांड है तो उसका पूरा श्रेय मीडिया को जाता है, पूरा का पूरा श्रेय उस दलाल मीडिया को जाता है, नहीं तो कोई व्यक्ति भगवान के समकक्ष कैसे हो सकता है, खासकर वो व्यक्ति जो बार बार झूठ बोल रहा हो, खासकर वो व्यक्ति जो जाति धर्म की राजनीति करता हो, खासकर वो व्यक्ति जो अपने बातों पे कभी खरा नहीं उतर पाता हो, वो भगवान का रूप कभी नहीं हो सकता। और भगवान इस प्रकार के अपने अवतार को जमीन पर भेजेंगे ही क्यों,
भगवान जानते हैं कि जो हमारा अवतार होगा वो शांति दूत होगा, वो शांति की बात करेगा, लेकिन मोदी जी के भाषणों से कभी नहीं लगा कि वो शांति चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही अशांति पर निर्भर है। उसका जवाब जनता ने दिया भी है, और जनता कोई भी सरकार बने ऐसे ही जवाब देना है। हम जनता को ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नेता हमारा सगा नहीं है, कोई भी पार्टी हमारा सगा नहीं है। हम पार्टी प्रेमी नहीं है, हम देश प्रेमी हमें होना चाहिए। 5 साल के लिए जिसको हम चुनते हैं, रगड़ के उससे काम कराओ, माई बाप किसी को मत बनाओ। अगर माई बाप बनाओगे तो यही हाल होगा जो वर्तमान में सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। अब अगर संतुलित होगा विपक्ष तो ईडी सीबीआई ये बेरोजगार हो जाएंगे और तुमको रोजगार मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार दूसरी कोई भी सरकार चलाए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बस मेरी ये इच्छा है, मेरा ये इंटेंशन है। तो लोग सीधे काम करेंगे, जैसे कोई घोड़े के दोनों तरफ लगा दिया था ना, इधर उधर भटकने का चांस ही नहीं है, घमंडी नहीं आएगा। पूरा मुद्दा तो खेल घमंड का और ईगो का आ रहा है, अकेला काफी है। तो अग्रिम सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकारों से निवेदन है कि राजनीति धर्म जाति से ऊपर उठकर कीजिए, रोजगार के बारे में सोचिए, ऐसे नीति निर्णय लीजिए जिनसे कि युवाओं का भला हो, किसानों का भला हो, महिलाओं का उत्थान हो। अगर खर्चों में कटौती करनी पड़े तो सरकारी खर्चों में कटौती कीजिए। बड़ी बड़ी रैलियों में जो पैसा खर्च होता है, भले ही किसी पार्टी का पैसा हो, उस पैसे का प्रयोग गरीबी और बेरोजगारी मिटाने में किया जा सकता है। अगर आप काम करोगे तो आपको बड़ी बड़ी रैलियां करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जाना चाहिए। ट्रैफिक लगा हुआ होता है, एम्बुलेंस फंसी हुई होती है, लेकिन बड़े मंत्री जा रहे हैं, ऐसा लगता है पता नहीं किस काम से जा रहे हो। तुम्हारे द्वारा जितने काम किए जा रहे हैं, रोड जाम की जा रही है, तुम ओए ओए करके निकल जाते हो, फिर भी बेरोजगारी दूर नहीं हुई, फिर भी गरीबी दूर नहीं हुई, तो तुम लोग करने क्या जाते हो? इससे स्पष्ट समझ में आता है कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो। तो मेरी सभी सरकारों से निवेदन है, थोड़ी सी नैतिकता लाइए। आपकी आलोचना करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आलोचना करने से अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचता है तो मेरी आलोचना को जरूर सुनिए। मेरा सुझाव अगर लगता है तो उस पर कायम रहिए, उस पर अमल कीजिए। इस प्रकार की राजनीति से अब बाहर आने का समय आ गया है। हमें अन्य देशों से तुलना करके देखना पड़ेगा, हमें यूएसए जापान से तुलना होगा तो ही हम आगे जा पाएंगे। हम भूटान और बांग्लादेश पाकिस्तान से तुलना करेंगे, हम जीवन में आगे नहीं जा पाएंगे। बाकी सभी भारतवासियों से कहूंगा कि थोड़ा सा दलगत जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें आप। बहुत हो गया रैलियों में झंडा उठाना, बहुत हो गया दलाली करना, बहुत हो गया चाटुकारिता करना, बहुत हो गया दूसरों को भगवान मानना। अब हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अब जिस भी सांसद को आपने चुना है, उस सांसद के पास जाएं और उससे काम के लिए बोलें। अगर वो काम ना करें तो एक समूह बनाकर जाएं, उस पर दबाव डालें। सामाजिक समूह का बड़ा ही योगदान होता है। मीडिया से निवेदन है, अब जागें। बहुत हो गया चाटुकार, बहुत हो गई दलाली, अब आंख खुलने का समय आ चुका है। संवैधानिक संस्थाओं से कहना है, आप निष्पक्षता के उस दौर से गुजरें जिस दौर के लिए हम आप पर विश्वास करते हैं। एग्जाम टाइम पर हों, पेपर लीक होना बंद हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।